तो हम हैं स्टॉकहोम में और स्टॉकहोम है स्वीडन की कैपिटल। स्टॉकहोम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है यूरोप में। और जो आपका स्वीडन स्टेट है ये एक पीसफुल स्टेट माना जाता है क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन दोनों में ही पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनका फ्लैग हमेशा लहराता ही रहता है। ये सिंबलाइज करता है कि दिस इज पीसफुल स्टेट। आपको पता है स्टॉकहोम में हाईएस्ट एंटरप्रेन्योरशिप रेट है, जैसे ब्रांड्स आपकी इकिया है और आपका H&M ब्रांड है, वो स्वीडिश ब्रांड है, कैन यू इमेजिन। और इसके बाद स्टॉकहोम जो है वो सेक्युलर स्टेट है और सिर्फ 9% लोग स्टॉकहोम के रिलीजन फॉलो करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉकहोम में, वो है वासा म्यूजियम, जो बहुत सारे लोग देखने आते हैं। इन्होंने एक शिप बनाई, रॉयल शिप, और जिस दिन वो पहली बार समुंदर में गई, 1 माइल चलते ही वो नीचे डूब गई बिकॉज ऑफ सम बैड इंफ्रा और समथिंग। बट दीज आर द स्पेशलिटीज ऑफ स्टॉकहोम। और एक है आपका स्टॉकहोम सिंड्रोम, जो सबने सुना होगा, जब लोगों को स्टॉकहोम आते ही पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। 1973 में यहाँ पे एक बैंक में चोरी हुई थी, तो उसके जो हॉस्टेजेस थे उनको अपने कैप्टिवेटर्स के लिए ही पॉजिटिव फील हुआ था, तो इसी को हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। और हम हैं इस पॉजिटिव से शहर में।